हाउ टू एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा, हर कंटेनर के ऊपर आप इसमें 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे, एक एक कैलकुलेशन आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो हम यही देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किस किस टाइप के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। तो जैसे आप ये देखें, गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, या फिर ये जो खाद बनाया जाता है, देसी जो खाद होती है, जो कि आजकल इतनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, इतनी सब दिक्कतें हो रही हैं, जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी डिमांड बढ़ रहा है, तो उसमें जो भी किसान लोग हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। जैसे कि एक हमारा स्टेट है वो पूरा ऑर्गेनिक हो चुका, कौन सा स्टेट है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। पूरा ऑर्गेनिक है, कोई भी फर्टिलाइजर उसमें इनऑर्गेनिक यूज़ नहीं हो रहा, पूरा 100% ऑर्गेनिक है और उसको पूरा वर्ल्ड वाइड है। आप गूगल पे सर्च करो या फिर आप अगर को आपको मालूम है तो आप उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की इतनी डिमांड बढ़ रही है और आगे आने वाली, क्योंकि देखिए लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, तो लोग अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे। सो आने वाला ज़माना ऑर्गेनिक का ही है, जो ऑर्गेनिक में रहेगा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा और लंबी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। इनऑर्गेनिक वाला तो बस ये कि भाई पेट भरने के लिए चाहिए, गरीब लोगों के लिए। अभी अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी के कस्टमर को टारगेट करना है तो आपको ऑर्गेनिक में आना होगा और ऑर्गेनिक से अच्छा आपको पैसा मिलेगा। देखिए ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में यहाँ पर डिफरेंस भी समझाया गया कि ऑर्गेनिक जो होता है वो क्या, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो किस तरीके से यहाँ पे सॉइल को भी अच्छी करते हैं, सॉइल की पावर को भी बढ़ाते हैं और विद इन 3 ईयर पूरा टोटल इसमें रेजिड्यूल्स बिल्कुल बचता नहीं है। आप इसकी टेस्टिंग करा सकते हैं, NABL एक्रेडिटेड लैब रहती है, वहाँ पर इसकी आप टेस्टिंग करा सकते हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की, गवर्नमेंट अभी थोड़ा सा बेनिफिट इसमें कम दे रही है, जैसे कि आपको DB के यहाँ पे नहीं मिल रहा, IAS ओनली 3% मिल रहा है और RODT पे आपको नहीं मिल रहा है। आगे बात करते हैं, उससे पहले बता दो बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, जो हमने पूरा 17 सालों में सीखा है वो पूरा आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा था कि 5 लाख रुपए हर कंटेनर पे आप कैसे बचा सकते हैं, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है आपके लिए टाइम सेव करने के लिए। तो बाइंग प्राइस देखिए, आपको बाइंग प्राइस क्या मिलने वाला है, आपको 20 रुपये KG भी मिल जाता है, 50 रुपये भी, 100 रुपये भी। अगर आप अमेजन से, मैंने कल ही एक शिपमेंट लिया 2 KG, क्योंकि मुझे भी किचन गार्डनिंग का शौक है, मैं भी घर में कुछ कुछ लगाता रहता हूँ, तो 2 KG वर्मी कंपोस्ट मैंने मंगवाया है 200 रुपये का, 200 रुपये का यानी 100 रुपीज़ KG। तो अगर आपको ई कॉमर्स से मंगवाना है या फिर आपको रिटेल में लेना है तो लगभग आपको ये 100 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये मिल जाता है। लेकिन जब आप इसको बल्क में लेते हैं तो बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाता है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये भी मिल जाता है। और लेकिन हम इसमें मैक्सिमम प्राइस लेके चलते हैं जिससे कि आपको कैलकुलेशन में बहुत सेफ साइड चले, तो हम इसका 80 रुपये प्राइस लेके चलते हैं कि भाई 80 रुपये में तो आप इसको आराम से खरीद पाओगे, दिक्कत है 80 रुपये में खरीदने में, कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपये में भी लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे आपके सामने कि सर हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 रुपये में हमने खरीदा और हमने एक कंटेनर पूरा खरीद लिया मान लीजिए, तो एक कंटेनर मेरा आएगा 20 लाख रुपये का, 20 लाख रुपये का एक कंटेनर आया और 80,000 रुपये लगभग मुझे लगते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, CHA का खर्चा हो गया, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा हो गया, वेयर हाउस का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, मैन पावर, ये सब लगा के मैंने 1 लाख रुपये लगा लिया। तो ये मेरा जो बाइंग प्राइस हो गया, बेसिक बाइंग प्राइस हो गया, वो हो गया 21 लाख रुपये, 21 लाख रुपीज़। अब गवर्नमेंट के बेनिफिट तो यहाँ पे थोड़े से ही मिल रहे हैं, वैसे इसमें 5% GST भी लग रहा है, वैसे GST लगना नहीं चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बट फिर भी 5% यहाँ GST लग रहा है, तो 5% गवर्नमेंट के बेनिफिट है जो कि मुझे वापस रिटर्न मिल जाएंगे क्योंकि मैं कर रहा हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने में मुझे GST वापस मिल जाता है। हेलो, ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट करने में आपको GST वापस आपके अकाउंट में मिल जाता है, बिल्कुल क्लियर रखिए इस चीज़ को, है ना। तो 1 लाख रुपए आपके गवर्नमेंट के बेनिफिट हो गए, तो फाइनल बाइंग प्राइस कितना हो गया, 21 लाख, जो कि ये 21 लाख रुपीज था, माइनस 1 लाख, तो ये हो गया 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपका फाइनल बाइंग प्राइस हो गया, यानी एक कंटेनर आपका पूरा भर गया देसी खाद का
20 लाख रुपए का आपका हो गया, उसको आप और सस्ते में भी ले सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको सेफ मार्जिन के प्राइस बता रहा हूं, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, इससे और ज्यादा आप इसमें प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगे। अगर मैं सेल प्राइस की बात करूं तो ये 150 से 200 रुपये, 100 रुपये से 150 रुपये, 200 रुपये आराम से जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसको 80 रुपये में खरीदो और 100 रुपये में इसको बेच दो, 20 रुपये के प्रॉफिट मार्जिन में तो बेच पाओगे कि उतना भी नहीं कर पाओगे, 100% कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपये के मार्जिन में बेच दिया, एक कंटेनर आपने बेच दिया 25 लाख रुपये का, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ 25 लाख माइनस 20 लाख, ये हो गया सीधा सीधा 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये आप हर कंटेनर में कमा सकते हैं, 5 लाख रुपये आप इसमें हर कंटेनर में कमा सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आप महीने में एक कंटेनर भेज रहे हैं, 2 कंटेनर भेज रहे हैं, हफ्ते में 2 कंटेनर भेज रहे हैं, लोग ज़्यादा ज़्यादा कंटेनर भी भेजते हैं। धीरे धीरे जैसे आप अपनी स्केल अप बढ़ाते, अपनी क्वालिटी को बढ़ाते, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते, अपने मार्केटिंग करते हैं, आपका डिमांड बढ़ता है। और आप देखो, डिमांड तो है लोगों के पास, लेकिन दूसरे खरीद रहा है, आपसे कब खरीदा है? जब आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अपने उसके बारे में सीखेंगे। सो अगर डिमांड की बात कर ले कि डिमांड है कहाँ, वो तो बता दो सर। तो इसमें 5 टॉप जो इंपोर्टिंग कंट्री है एज पर वोल्जा डाटा, वो मैं आपको बताता हूँ। यूएसए 959 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है, यूएसए को बेचिए, ऑस्ट्रेलिया को बेचिए, ऑस्ट्रेलिया भी 177 शिपमेंट्स लास्ट ईयर उसने खरीदे हैं। आप वियतनाम को बेचिए, जो कि हमारी पास की कंट्री है, उसने भी 152 शिपमेंट्स खरीदे हैं। आप केनिया को बेचिए, वो भी 149 शिपमेंट्स खरीद रहा है पर ईयर वोल्जा के डाटा के हिसाब से। नेपाल ने भी 127 शिपमेंट्स खरीदे, और इवन इंडिया से भी खरीदे। देखो, नेपाल एक गरीब कंट्री है, लेकिन वो भी गोबर की खाद खरीद रहा है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में भी डिमांड नहीं, इंडिया में भी डिमांड, आप इसको लोकल में बिजनेस कर सकते हैं, और इंटरनल से बिजनेस करेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं एचएस कोड की, किसमें एचएस कोड क्या आता है, 31 नंबर चैप्टर में आता है, और ये सब चैप्टर इसका 01 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 3101000। इसको आप इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट प्रोसेस की, तो वो सबके लिए सेम रहता है कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, आज मेरा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो वो हो गया मेरा प्रोसेस डन। उसके बाद आपको बायर फाइंड करना है, वो आप वोल्जा से पैसा फेंको, तमाशा देखो, वोल्जा से आप अपना बायर का डाटा ले सकते हैं। और उसके बाद बायर फाइंड करने के बाद बायर को वेरीफाई करना है कि पार्टी फ्रॉड तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि पार्टी फ्रॉड तो नहीं, जेन्युइन पार्टी है कि नहीं है। तो उसके लिए इंडियन एम्बेसी का आप सहारा ले सकते हैं, DNB का सहारा ले सकते हैं, या जो हम ट्रेनिंग में अपना पूरा सिखाते हैं वो सब स्किल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब आप वेरीफाई कर लिया आपने बायर को, फिर आपको कन्वेंस करना है। यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग में आप सीखते हैं वो सब स्किल्स आपके काम आते हैं, कि आपकी कन्वेंसिंग पावर जो ट्रेनिंग में इंक्रीज होती है, वो कन्वेंसिंग पावर आपको यहाँ दिखानी है कि कस्टमर, एक बार आप ट्रिक सीखनी है, बेचने की ट्रिक सीख गई है। देखिए, बेचना जिसको आ गया वो राजा बन गया। सेल्स स्किल्स आपको आनी जरूरी, जो कि हम ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी स्किल्स। अगर वो प्राइस बोलता है तो आप क्वालिटी बताइए कि सर हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। आप पेमेंट लीजिए इनसे, प्रोडक्ट में आपको 100% एडवांस भी मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपको EBRC कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अब अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की बात करें, तो इसमें अपेडा ही लगने वाला है, और कुछ नहीं लगेगा। जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप 5,900 रुपये देकर आराम से ले सकते हैं। अब टॉप कंपिटिटर कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन इसमें टॉप कंपिटिटर कंट्री है, तो मुझे बताते खुशी हो रही है, इंडिया इज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है हमारे इंडियन भाई बहनों से कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हम नंबर 2 और नंबर 1 पे जरूर आ सकते हैं, क्योंकि चाइना हमसे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। देखिए आप नंबर, देखिए यहाँ पर जापान नंबर 1 पे है, जो कि 4,163 शिपमेंट्स कर रहा है एज पर वोल्जा डाटा। इसके बाद देखिए चाइना जो है 3,934 शिपमेंट्स कर रहा है, मतलब इतनी गाड़ी इतनी शिपमेंट्स भेज रहा है पर ईयर। थर्ड नंबर पे हम आते हैं, हम लोग 2,888 शिपमेंट्स पर ईयर कर पा रहे हैं, यानी इस नंबर में 3,900 और 2,800 में सिर्फ 1,000 शिपमेंट्स का ही डिफरेंस है। मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप लोग आगे आइए और इस नंबर पे आप यहाँ पे नंबर 2 पे यहाँ बन सकते हैं, नंबर 2 पे आप यहाँ पे बन सकते हैं विद इन 1-2 ईयर। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि चाइना के पास उतने ज़्यादा कैटल नहीं है, हमारे पास कैटल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पशु बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो आप इसमें आगे आ सकते हैं। आपको प्राइसिंग एंड क्वालिटी का बस ध्यान रखना है, और आपको सेल्स सीखना है यार, सेल्स सीखना है आपको,
और कुछ नहीं, प्राइसिंग का भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपको सेल्स सीखना कि बेचना कैसे है। आप बेचना सीखिए ना, लोग मिट्टी को भी सोना बना के बेच रहे हैं, आप बेचना सीखिए, आप ट्रेनिंग में आइए, बेचना सीखिए और आप दो नंबर से, आप तीन नंबर से दो नंबर पे जरूर आ सकते हैं। वियतनाम देखिए, वियतनाम 2500, क्योंकि वियतनाम पास में ही है, वो इधर जंप कर जाएगा अगर आप लोग आगे देश में नहीं आएंगे। टर्की देखिए, टर्की भी 1810 शिपमेंट्स वो कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है, हर एक उस इंडियन को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ उसमें एडिशनल वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.